अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुफ्ती साहब, क्या मैं आपके स्पीचेस अपने YouTube पर अपलोड कर सकता हूँ? हमारी टीम से आप लोग रابطہ कर लें, आप साहब जो लोग हैं, नंबर जारी किया गया है, आप टीम से रابطہ कर लें। दूसरा सवाल है, मैं कुवैत में काम करता हूँ, मुझे खाने का राशन मिलता है खाने के लिए, क्या भेजा हुआ राशन मैं बेच सकता हूँ या किसी को दे सकता हूँ? मोहम्मद सैफ, कुवैत से। जो राशन आपको खाने के लिए दिया जाता है, वो या आपको उसका मालिक बना दिया जाता है, वो आपको दे दिया गया, अब चाहे उसे खुद खाएं या किसी और को खिला दें या उसे फरोख्त कर दें, आप उसके मालिक हैं। अगर खाने के बाद कुछ बच जाता है, आप उसके मालिक हैं, आप चाहे किसी और को खिला दें, चाहे तो उसको फरोख्त कर दें, चाहे पूरा का पूरा फरोख्त कर दें, आप उसके मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेरा जुहर की नमाज असर की नमाज से कितने वक्त पहले तक अदा की जा सकती है? मैं मोहम्मद साबिर हुसैन, बिहार से। असर के वक्त जो है, असर का वक्त है, उस वक्त से पहले जुहर की नमाज़ आप अदा कर सकते हैं। तो दायमी जंतरी जो है उसमें मिसलैन दिया होता है, मिसलैन लिखा होता है, मिसलैन पर जब आप जाएंगे तो मिसलैन का जो टाइम है वो असर का वक्त रहता है। अब मान लीजिए अगर उस पर दिया हुआ है 4:50 या 4:46, जो भी आज का टाइम हो देख लें, तो 4:46 पर असर का वक्त शुरू हो जाता है, तो उससे पहले जुहर की नमाज़ आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जानबूझ करके इतनी ताखीर करना और टाल करके नमाज़ को पढ़ना, ये उसका सवाब बहुत कम हो जाता है। कोशिश करें कि अव्वले वक्त में नमाज़ पढ़ा करें। हाँ, कभी ऐसी बात हो गई कि इंसान जो है किसी काम में मशगूल हो गया और लेट हो गया, तो ऐसी सूरत में आप ऐसा कर सकते हैं। अस्सलाम।